अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वेलकम इन DC6। DC6 में मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। खास तौर पर ये वीडियो वो यंगस्टर्स रियल्टर्स ज़रूर देखें जो इस वक्त दुबई में आने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि वो दुबई की प्रॉपर्टी का पार्ट बने। दुबई के अंदर इस वक्त प्रॉपर्टी बहुत पीक पर जा रही है और इस वक्त प्रॉपर्टी के अंदर जो कन्वर्जन रेशियोज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप वर्किंग करके जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूंगा और आप 1 वीक उसके ऊपर स्टडी करते हैं, 1 वीक के बाद आप उसके सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, उस 1 वीक के अंदर आपको उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी इन्वेंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इतनी फास्ट सेलिंग है, ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं, जो ओल्ड रियल्टर्स हैं, उनके पास अब जाकर मौका मिला है उनको प्रॉपर्टी जो है वो सेलिंग का। सो न्यू बंदा कोई भी आएगा उस मेजर चैलेंज है के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सो जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड दुबई में आना चाह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे यहाँ पर। उन चैलेंजेस को सामने रख के अपने आप को माइंडसेट को तैयार करके आइएगा। ऐसा नहीं है कि आपको आते साथ ही यहाँ पर बिग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और सबसे बड़ा फैक्ट जो पाकिस्तान के अंदर मैं खुद बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ इस मिथ को और इस कॉन्सेप्ट को तोड़ने का, अगर आप रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं और एज अ रियल्टर काम करना चाहते हैं तो ये जो बेसिक सैलरीज हैं ये कॉन्सेप्ट से बाहर निकलें। UAE के अंदर आपको कहीं पर भी बेसिक सैलरी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। जहां पर भी आप जाएंगे आप रेवेन्यू मॉडल के ऊपर जाएंगे और सेल्स का सबसे बेस्ट मॉडल ही रेवेन्यू मॉडल है। हमेशा हमारे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हम लोग बिल्कुल उल्टी एक रोड्स पे और उल्टी डायरेक्शंस पे चलते हैं, दैट्स वाई हम अपनी यंग जनरेशन को भी ख़राब कर रहे होते हैं और हम उनके कॉन्सेप्ट्स भी ख़राब कर रहे होते हैं। मैंने यहाँ पर बड़े बड़े रियल्टर्स देखे हैं, मैंने यहाँ पर वो रियल्टर्स देखे हैं जिनको 15-15 साल हो चुके हुए हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। उनमें से कोई एक भी रियल्टर जो है वो बेसिक सैलरी के ऊपर रिलाय नहीं कर रहा। सेल्स की कोई भी फील्ड है, चाहे वो रियल स्टेट की है, चाहे वो FMCG की है, वट एवर सेल्स की कोई भी फील्ड है, सेल्स के अंदर ना बेसिक्स कमीशन जो आपकी परसेंटेजेस होती हैं ना वो मैटर करती हैं, आपकी बेसिक सैलरीज जो है वो मैटर नहीं करती। सो प्लीज़ इस मिथ को, इस कॉन्सेप्ट को, अगर आप रियल में सेल पर्सन बनना चाहते हैं तो इसको निकाल कर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक सैलरीज कोई भी ऑफर नहीं करता। बहुत कम न्यूली कंपनीज हैं जो आपको बेसिक सैलरीज जो है वो ऑफर कर रही हैं, बट बहुत नॉमिनल। वो बेसिक सैलरी सिर्फ इसलिए होती है कि आप अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, आप अपने रेंटल एक्सपेंसेस, आप अपनी बेसिक नीड्स की जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें। अदरवाइज आप जो अर्निंग कर सकते हैं वो आपकी अपनी एफर्ट्स हैं सेल्स के अंदर, वो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप ज़्यादा अर्न करेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड इस चीज़ के लिए कि आप अपने आप को अगर समझते हैं कि मेरे अंदर पोटेंशियल है सेल्स का, मैं सेल्स कर सकता हूँ, तो फिर ही ये स्टेप लीजिएगा। अदरवाइज आपके लिए बहुत कंपटीशन है यहाँ पर।